जो ऐसी क्या चीज थी जो आपने सिंधी मूवी बनाई? सर एक सिंधी भाषा से मेरे को प्यार था, प्यार है अभी भी, था क्या है अभी भी। और मैंने क्या सिंधुत्व को मैं प्रमोट करूँगा थ्रू फिल्म, बट सिंधी फिल्म में सर इतना कुछ मिलता नहीं, मालूम है कि नहीं मिलना जी। पर मैं बोलूँगा कि मैंने तो कमाया है, मैंने नाम कमाया, क्या बात, सिंधी समाज में पहचान बनाई, क्या बात। एंड फर्स्ट डे जो प्रीमियर हुआ था वो दुबई में, 3000 पीपल ने एक साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल साथियों, मां आया तांजो सतीश चांदवाणी, अचो बुधऊं था सिंधियुनि जी कहानी, उन्हनि जी जवानी विथ लखन गुरदासानी, द सिंध शो दुबई मां। त केड़ो हाल आहे सभिनी जो? अरे त ॾेढ कलाक जल्दी अची विया छो? त असां आहियूं दुबई में, क्या बात है, द फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट इन दुबई विथ सपना मैम ऐं सतीश चांदवानी सर सां गॾु। त तव्हांजो स्वागत था कयूं ऐं सर तव्हांजो बि स्वागत था कयूं। त मूंखे ॿुधायो सर, कहिड़ो हाल आहे पिणे? ॾाढो सुठो, कीअं थो लॻे? त सपना मैम ऐं सतीश सर, असां तव्हांजो स्वागत था कयूं हिन सिंधी पॉडकास्ट शो में, जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो विथ लखन गुरदासानी। त सर जे बारे में मां तव्हांखे छा ॿुधायां, फस्ट ऑफ ऑल त असां तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं सर जा, जेके इहे जेको थी रहियो आहे फस्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो, उहो बि इंटरनेशनल इन दुबई विथ सतीश सर ऐं सपना मैम ऐं जेका बि असांजा स्पॉन्सर्स, असांजा वेल विशर ऐं असांजा सपोर्टर आहिनि, उन्हनि जो मां तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां। मां सची ॿुधायां, मां जेॾी महिल दुबई में आयुमि ऐं इते मां जे गाॾी में आयुमि, वो गाड़ी जो मालिक भी सिंधी, होटल जिते मां स्टे तो क्या वो होटल भी सिंधी, सर भी सिंधी, मां चयो मां किथे उल्हासनगर त न अची वियो आहियां यार। हा त जिते ॾिसां सभु सिंधी, मूंखे लॻे थो आफ्टर पार्टीशन इंडिया खां वधीक सिंधी, सिंध खां वधीक हिते दुबई में सिंधी आहिनि। मां जिते ॾिसां हाणे ॿियो टियों माण्हू 4% सिंधी आहे, जंहिंजी होटल ईअं न कंहिंजो कंहिंजो मार्केट आहे, कंहिंजो छा आहे, कंहिंजो छा आहे। ऐं सो प्राउड तव्हां अगरि तव्हां दुबई में अचो ऐं तव्हां पाण प्राउड कंदव की एॾो सिंधियुनि नालो कमायो। त सर असां वञूं था तव्हांजे जर्नी जे बारे में, तव्हांजे बारे में मां ऑडियंस खे ॿुधाइणु चाहींदुमि की तव्हां पंहिंजी जर्नी कीअं स्टार्ट कई रतनाम खां दुबई, प्लीज़ ॿुधायो। ऐं तव्हां हिते आया आहियो, असांखे बि ॾाढो सुठो लॻो। थैंक यू सर की तव्हां एतिरी महिनत कयो था। मां ॾिठो तव्हांजो पॉडकास्ट ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻो। थैंक यू। मां जंहिं ॾींहुं फस्ट टाइम ॾिठो, मां चयो इहो दुबई में थियणु घुरिजे। थैंक यू। असां पाण में ॻाल्हायोसीं, असांजा जेके फ्रेंड्स आहिनि हुननि सां मां ॻाल्हायो, असांजो हिकिड़ो सिंधी कल्चरल ग्रुप करे हिते आया, असां हुननि पंज कमेटी मेंबर बि आहियूं, त असां डिसाइड कयोसीं की असां इहो दुबई में कंदासीं। ऐं फस्ट टाइम इंटरनेशनल जेकी तव्हांजी महिनत आहे उहो अञा माण्हुनि ते ख़बर पए जी की तव्हां केतिरी महिनत था कयो। असां हिकिड़ी कोशिशि कई आहे, बाक़ी त करण वारो मालिक आहे, असां त सिर्फ़ु हिकिड़ी कोशिशि कई आहे। चवंदा आहिनि सर, भॻवान दिखता नहीं लेकिन होता है, और मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो पत्थर में भी मूर्ति है। तो एक मानू किथा ना किथा हथ पकड़ लाइ अची वेंदा आहिनि, जीअं असांजो द सिंध शो जो हथ पकड़ लाइ सतीश सर ऐं सपना लाइ ऐं असांजा स्पॉन्सर अची विया। त सर असां आया आहियूं रतनाम, जिते तव्हां पंहिंजो जनम वरितो, तव्हांजो सॼी फैमिली उते हुई, त तव्हां रतनाम खां इंडिया, मध्य प्रदेश खां दुबई जी जर्नी कीअं ऐं सर खां सर जो मां तव्हांखे जाम कुझु अॻियां बि शइ ॿुधाइण वारो आहे, पर मां सर खां पुछंदुमि की कीअं जर्नी तव्हांजी स्टार्ट थी, प्लीज़ सर। बिल्कुलु, मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। आहे ॾुखी ऐं तकलीफ़ वारी आहे, पर चवंदा आहिनि जंहिंमें सूर हूंदा आहिनि हुन में वरी वधीक ख़ुशी मिलंदी आहे। क्या बात। ऐं महिनत त जेतिरी शुरूअ में माण्हू करे थो सघे जी, त शुरूआति हीअं थी की मां ॼायुमि रतलाम में, मध्य प्रदेश में जी, ऐं उतां मां ग्रेजुएशन करे मां इंदौर शिफ्ट थियुमि, जो की रतलाम खां भरिसां ई इंदौर, जेकी असांजी कमर्शियल सिटी आहे, अपॉर्चुनिटी उते वधीक हूंदी आहे। त उते मां हिकु मल्टी नेशनल कंपनी जॉइन कई, एवरेडी बैटरीज़। ओके। वरी हुन खां पोइ मां ॿी कंपनी जॉइन कई, डाबर में मां कमु कंदो हुउमि। अच्छा। एज़ ए रिटेलिंग सेल्समैन खां मां स्टार्ट कयो। क्या बात है। ऐं तंहिं महिल त सिर्फ़ु ग्रेजुएशन बि कंदासीं त लॻंदो हो की भई काफ़ी पढ़ी लिखायूं, त मां मार्केटिंग पोइ उतां मां स्टार्ट कयो केरियर इंदौर में, उते मां जॉब कंदो हुउमि, वरी मां दुबई आयुमि,
86 में घुमण आयुमि सिर्फ़ ओके ॾिसण आयुमि अच्छा पर कुझु चांस न लॻो वरी वापसि हली वियुमि ओके वरी 88 में वापसि मां दुबई में आयुमि ऐं मूंखे वरी हिते जॉब मिली वियो त हुतां रिज़ाइन करे पोइ मां दुबई में जॉब कयो जेका की हिकिड़ी परफ्यूम जी कंपनी आहे ऐं इहा कंपनी बि 1954 खां आहे दुबई यानी बेस्ट फस्ट परफ्यूम इतर कम तंहिंमहिल छा परफ्यूम न हलंदा हुया अच्छा इतर हलंदा हुया जेके बि मतिलबु पुराणा माण्हू आहे न इतर वधीक यूज़ कंदा हुया त इतर जा असां शुरूआति हुई ऐं इहा थर्ड जनरेशन आहे जेकी हाणे मुंहिंजा बॉस आहिनि थर्ड जनरेशन आहे ऐं 1954 में 70 साल पुराणी कंपनी आहे ऐं मां शुरूअ खां हिन ई कंपनीअ में आहियां इते ई वॾो थियो आहियां ऐं हिते ई कमु कंदो आहियां उमेद आहे की अॻिते बि हिते ई कमु कंदो रहंदो क्या बात है सर मूंखे ॿुधायो तव्हांजी सॼी फैमिली तव्हांजा ॾाॾा तव्हांजा डैडी ग्रैंड पेरेंट्स रतलाम में हुआ या पहिरों खां ई छा चइबो आहे ॿिए कंहिं शहर में हुआ न 1947 में मुंहिंजा फादर रहंदा रते दरे में ओके 1947 में फादर आया उतां चेंबूर तंहिंमहिल 17-18 साल जो आया जी ऐं मुंहिंजी मदर आहे लालकाणे जी उहा 13 साल जी हुई क्या बात है त चेंबूर में जॾहिं लथा उतां त चेंबूर में रहंदा हुआ कैंप हूंदा हुया जॾहिं जीअं माण्हू आया पार्टीशन जे टाइम ते त हुते हुननि खे वरी जॉब मिली वियो राज कपूर वटि अच्छा आर के स्टूडियो में यानी तंहिंमहिल आर के स्टूडियो में हुया ऐं हुते ई जॉब कंदा हुया पर वरी बि सर्च कंदा हुया की भई कोई गवर्नमेंट जॉब मिले तंहिंमहिल छा आहे की 1947 में गवर्नमेंट जॉब मिलणु मतिलबु वॾी ॻाल्हि हुई वॾी ॻाल्हि हूंदी एक्ज़ैक्ट हुननि खे रेलवेज़ में वरी नौकिरी मिली वई क्या बात है वेस्टर्न रेलवे में क्या बात है त हुते हिननि खे उदयपुर मोकिलियऊं उदयपुर खां वरी रतलाम में त शुरूअ खां पोइ रतलाम में ई जॉब कंदा हुया ऐं जॾहिं बॉम्बे में आया जज कपूर वटि जॉब कंदा हुया पोइ मुंहिंजी फादर जी शादी थी मुंहिंजी मदर कटनीअ में हली वई नानाणा मुंहिंजा कटनीअ जा आहिनि ऐं जबलपुर जा मुंहिंजा ॾाॾाणा त शादी थी त पोइ मम्मी बि रतलाम में पोइ असां रतलाम में असां जियासीं क्या बात है क्या बात है त सर मूंखे ॿुधायो दुबई में तव्हां अची करे एतिरी महिनत कई एॾा साल त हाणे हिकु रिस्पेक्टेड पोजिशन ते आहियो दुबई में जेका पहिरियों तव्हां जीअं चयो परफ्यूम न हलंदव अतर न हलंदव त तव्हां हीअं जीअं ब्रांड जो जीअं तव्हां सेल्स ब्रांड सेल्स में कीअं तव्हां एॾे लेवल ते हली वियो ऐं केतिरी तव्हांखे महिनत लॻी हिन लेवल ते अचण जी दुबई में जेके बि आयल आहिनि सभु महिनत करे मथे हल अथव जी जी तंहिं टाइम में अचण सां मूंखे कुझु टाइम खां पोइ हिकिड़ो प्रोजेक्ट मिलियो जेकी जीना तमान जी परफ्यूम हुई ओ त उहा मां लॉन्च कई हुई क्या बात है त उहो मूंखे ॾाढो उतां ॾाढी मतिलबु एप्रिसिएशन मिली ऐं ॾाढी सेल्स मां सुठी ॾिनी मां ओके त उहा मुंहिंजी फस्ट सेलिब्रिटी परफ्यूम लॉन्च हुई त उन टाइम ते तव्हां उन्हनि खे घुरायो उन्हनि खे ॿुधायो हा मतिलबु छा थींदो आहे की असांजा जीअं बॉलीवुड में जेके बि हूंदा आहिनि न स्टार्स हुननि खे रॉयल्टी ॾेई करे असां प्रोड्यूस कंदा हुआसीं पेरिस में अच्छा पोइ जीना तमान खां जॾहिं उहो हली त पोइ हुनखां पोइ रवीना टंडन खे लॉन्च कयोसीं क्या बात है रवीना टंडन जी परफ्यूम कढीसीं सीक्रेट डी लवीना उहा एतिरो ख़ासि न करे सघी पोइ वरी शाहरुख खान जी कढीसीं एस के परफ्यूम शाहरुख खान जी त हा ॾाढी ॾाढी उहा ॾाढी हली हुई पोइ हुन खां पोइ कढीसीं असां अमिताभ बच्चन जी ए बी बाए लोमानी अच्छा वरी हुन खां पोइ शाहरुख खान खे वरी इंट्रोड्यूस 2005 में ॿाहिरि वरी लॉन्च कयोसीं अच्छा शाहरुख खान खे क्या बात है वरी हुन खां पोइ अदनान सामी असांजो जेको सिंगर आहे फेमस हुन जी कढीसीं हीअं असां ईरान में ॿ एक्ट्रेस आहिनि हुननि जी बि परफ्यूम कढीसीं ऐं लॉन्च कईसीं ऐं वर्ल्ड वाइड विकणंदा हुआसीं क्या बात है वरी हुन खां पोइ मां सोनू सूद सां मिलियोमांसि हुन सां थोरी फ्रेंडशिप हुई त हुनजी हुनखे मां ब्रांड एम्बेसडर कयोमांसि असां जेको ब्रांड इंडोर्स कंदो हुयो काफ़ी सालनि ताईं पोइ ईअं कंदे 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 माण्हुनि खे लॻो की इवेंट इंडस्ट्रीअ जो माण्हू आहे शायदि अचे थो हिते सेलिब्रिटीनि सां मिले थो मां सैफ अली ख़ान सां मिलियो आहियां तव्हांजा प्रोफाइल बि ईअं आहिनि की सभु जेका बि अमिताभ बच्चन थी वियो शाहरुख खान थी वियो मैम खे ॾिसां थो फस्ट टाइम मैम ईअं चुप करे वेठा आहिनि छो की मैम एतिरी एतिरी जॉली पर्सन आहे एतिरी स्वीट पर्सन आहे न मैम खां बि जाम कुझु क्वेश्चन पुछणा तव्हांखे जाम मज़ो ईंदो त सर तव्हांजा जेका बि प्रोफाइल मां ॾिसां थो अमिताभ बच्चन सां गॾु शाहरुख खान सां गॾु वॾे वॾे सेलिब्रिटी सां गॾु त फस्ट तव्हां अहिड़ो कहिड़ो सेलिब्रिटी खे तव्हां घुरायो ऐं तव्हां उन्हनि सां मिलियो ॾिसो इहो त मुंहिंजो थियो की परफ्यूम लॉन्च जे करे मां मिलंदुमि ऐं मां बॉम्बे बि वेंदुमि जीअं मां सैफ अली ख़ान सां असां छा प्रपोज़ल ॾींदासीं जी जी की असांखे तव्हांजे नाले जी परफ्यूम कढणी आहे ऐं असां तव्हांखे एतिरी एतिरी रॉयल्टी ॾींदासीं पोइ असां फ्रेंच कंपनी खे ॾींदासीं की भाई तव्हां प्रोड्यूस कयो पोइ मां सैफ सां बि मिलियोमांसि करीना सां मिलियुमि शाहिद कपूर सां मिलियुमि रानी मुखर्जी सां मिलियुमि
घणेई अञा आहिनि पर मूंखे घणेई नाला बि यादि कोन्हनि। तव्हांजे पासे में बि हिकु सपना हा बेस्ट हीरोइन त हुई, असांजी हीरोइन इहा आहे, इहो त सिर्फ़ु नाला असां खणूं था। वरी पोइ थोरो हिननि खे लॻो कुझु माण्हुनि खे की शायदि इवेंट्स जो कमु कंदो आहे, इवेंट में त मूंखे साम्हूं खां अप्रोच कंदा हुया, जीअं जी टी वी जा हेड आहिनि जेके मुंहिंजा दोस्त थी विया सोनी टी वी में, कॉमेडी जा सर्कस वग़ैरह ईंदो, शर्मा वग़ैरह, उहो कपिल शर्मा हा। त 2011 में मां सभिनि खां पहिरियों कपिल शर्मा खे त घुरायो दुबई में, तंहिं महिल त कॉमेडी सर्कस में ईंदो हुयो, पर रोज़ टे चारि दफ़ा ॻाल्हाइणु थींदो हुयो हुन सां, इवेंट करिणो आहे तव्हांजो हिते। हा जी जी, त उहो सभिनि खां पहिरियों, हुन खां पहिरियों बि मां बॉलीवुड में शो कयां, हे पैशन आहे मूंखे, मतिलबु भई मुंहिंजो मां सेटिस्फाई आहियां पंहिंजे जॉब सां, ॾाढो ख़ुशि आहियां। क्या बात है। त पर हिकिड़ो थींदो आहे न माण्हूअ खे कुझु न कुझु करण जी, जी त मूंखे वेहण न ईंदो आहे, बेचैन माण्हू आहियां, इंस्पायर कंदा तव्हांजे सदिके सां जाम माण्हू इंस्पायर थींदा, स्पेशली यंगस्टर्स, छो की अॼुकल्ह जेका फैसिलिटीज़ अची वई आहे न, पेशंस न आहे माण्हुनि खे, ऐं यंगस्टर्स जी थो ॻाल्हि कयां, इंस्टेंट खपे, जीअं मैगी 2 मिंट में थी वेंदी, न थींदी आहे उहा बि 5 मिंट पहिरियों थींदी, हाणे न थींदी 5 मिंट में, 5 मिंट में त 5 मिंट ऐं कुझु बि टाइप, कुझु बि खपे, अॼुकल्ह हिकु फ़ोन गूगल ते तव्हांखे सभु मिली वेंदो। उन टाइम ते सर केतिरी स्ट्रगल हूंदी, जेॾीमहिल तव्हां फस्ट टाइम दुबई में आयो, ऐं तव्हांखे अगरि कुझु बिज़नेस खे ग्रो करिणो आहे, जॉब खे ग्रो करिणो आहे, या पंहिंजी फैमिली सेटल करणी आहे, त उन टाइम ते कहिड़ा स्ट्रगल हुआ? स्ट्रगल ॾिसो, तंहिं महिल त न हे मोबाइल हुया, न पेजर हुया, हिकिड़ो लैंडलाइन हूंदो हुयो, ऐं जॾहिं असां आयासीं त हुन महिल सम्झो की हिकु मिंट ॻाल्हाइणो हूंदो इंडिया में त 8 धर्म लॻंदा हुया, त उन टाइम सोचंदा हुआसीं की भई फ़ोन कयूं न कयूं, हेॾो ख़र्चु थींदो, चिठियूं लिखंदा हुआसीं, चिठियूं ईंदी हुयूं, ऐं अगरि उते फ़ोन बि न हूंदा हुया त वरी पोस्ट ऑफिस में चवंदा हुआसीं की भई वञो, कंहिंखे मैसेज मोकिलींदासीं की भई असां हिन टाइम ते फ़ोन कंदासीं, अच्छा, पोइ वञी फ़ोन ते ॻाल्हाईंदा हुआसीं असां पंहिंजे पेरेंट्स सां, अच्छा जी, बाक़ी त चिठी चपाटी हलंदी, कहिड़ो मतिलबु केतिरो डिफिकल्ट हूंदो, मतिलबु सर तव्हां पंहिंजे हिकु अलॻि देश में आहियो, पंहिंजे पेरेंट्स हिकु अलॻि देश में आहिनि, ऐं तव्हां हिते महिनत था कयो, हुते पेरेंट्स आहिनि, त सो प्राउड बि थींदो आहे, ऐं कॾहिं कॾहिं लॻंदो आहे की असां पंहिंजो सिंध त छॾे आयासीं आयासीं, ऐं सॼे वर्ल्ड में असां सिंधी केतिरी महिनत था कयूं, तव्हां असांजे साम्हूं में हिकु साम्हूं आइडल वेठा आहिनि की बाबा किथे बि हुजो महिनत कंदा रहो, तव्हांखे पंहिंजो सफलता सक्सेस मिलंदी मिलंदी, महिनत ऐं हुन सां गॾु ईमानदारी, ईमानदारी, सच्चाई, एग्ज़ैक्टली, सच्चाईअ जी जीत थींदी आहे, थोरो वक़्तु लॻंदो आहे, जी जी, पर जीत हमेशह थींदी आहे लॉन्ग टर्म ते, बाक़ी त सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे जी, हर कोई पंहिंजे हिसाब सां कंदो आहे। जेॾीमहिल तव्हां हिते सेटल थी विया त तव्हांजा डैड फैमिली जेका बि हुआ, तव्हां कॾहिं उन्हनि खे दुबई घुरायो? हा, बटे शादी खां पोइ, शादी खां पोइ, छो की जॾहिं मां आयुमि तंहिंमहिल त कुंवारो हुउमि, अच्छा, पोइ हिननि सां मुलाक़ात हीअं मिली त शादी कई मां, हलो मां लकीली बि इंदौर जी, क्या बात है, ऐं इंदौर मूंखे ॾाढो वणंदो हुयो, ऐं लकीली इंदौर मां ई मिलियो, क्या बात है, मां तव्हांखे जाम कुझु पुछणो आहे, छो की सतीश सर खां अञा बि जाम कुझु पुछणो आहे, तव्हांखां बि जाम कुझु पुछणो आहे, त फस्ट जेॾीमहिल तव्हां सतीश सर खे मिलियो, तव्हांखे सर त हाणे बि हैंडसम लॻंदा आहिनि, तव्हां बि हाणे ब्यूटीफुल लॻंदा, त उन टाइम ते जेॾीमहिल तव्हां सतीश सर खे ॾिठो त कीअं तव्हांजी फीलिंग हुई सतीश सर जे बारे में? मां जॾहिं इन्हनि सां फस्ट टाइम मिली हुयमि, सभिनि खां सुठी लॻी हुई वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट में ॾिसण आया हुया, क्या बात है, अञा ताईं तव्हांखे ख़बर आहे, क्या बात है, न लाइक उन खां पोइ उहा जेकी एक्चुअली में वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट जेकी हुई उहा मुंहिंजे पेकनि में ॾाढी फेमस थी वई, अच्छा, त उहो सभु ॼणा उन खां पोइ आहे न, मतिलबु इहो कॉम्बिनेशन सभिनि खे वणियो हिकदमि, मतिलबु मुंहिंजे स्पेशली मुंहिंजे वॾे भाउ खे, क्या बात, उहो त मतिलबु अॼु बि वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट वधीक पसंदि कंदो आहे, क्या बात, तो चवंदो आहे इहे जीजा की देने, हाणे बि ब्लैक शर्ट आहे त वाइट शर्ट पाइणु खपे सर तव्हांखे, त तव्हांजी शादी खां पोइ अरेंज मैरिज, अरेंज कम लव, त तव्हांखे ख़बर हुआ की सर दुबई में कमु कंदा आहिनि? एक्चुअली कुझु ईअं चई था सघूं पिया की मां हिननि खे पर्सनली न सुञाणंदी हुयमि, लेकिन हिननि जी जेकी वॾी सिस्टर आहे उहा मुंहिंजे रिलेशन में आहे, अच्छा,
मुझे नाना नंजे रिलेशन में आ okay. त मां उनन के तो सुनान दी होया अच्छा औं जे मुजी शादी कराई वो भी मुजी सौट जो सौरो ही होयो त लाइक थोड़ो घणो कनेक्शन थोड़ो होयो लेकिन मां डायरेक्टली ना सुनान दी अच्छा औं हे मुजे पेकन में सबिन के सुनानदा होया नाना ना भी दादा ना भी क्या बात है क्या बात है सठो मुजे नालो होयो लेकिन बस यो हो कि हे मुजी फैमिली के ना सुनानदा है असा इनन जी फैमिली के ना सुनानदा जी जी तो मुख्य बता सर उन टाइम ते जीएम आ ताका ऑफ कैमरा भी पूछो कि सर उन टाइम ते क्या गालेंदा हुआ कि ना गालेंदा हुआ मुसा ता गालेंदा होया बाकी इनन जी फैमिली चंदी है कि घट गालेंदा होया रिजर्व रिजर्व थोड़ा मा रिजर्व थोड़ा नेचर हाने पीपल हाने थोड़ा वरी भी कोलेन सर आड़े ना काफी साल थिया आड़े मा घट गालेंगे क्या बात है नाड़ गालण ना दिन मैं तो ता पांचे बारे में कुछ बताया मैम ताकि ता जी लाइफ किया ता किया पढ़े केड़े स्कूल में मुझे एनी स्ट्रगल वाली ना टाइप जी लाइफ ना हुई अच्छा फन होयो मुझे लाइफ में मतलब म्यूजिक डांस स्कूलिंग डाडी सुठी हुई मां क्रिश्चियन एमिनेंट सा पढ़े लायन क्या बात और कॉलेज मां गुजराती गर्ल्स कॉलेज में हम स्कूलिंग को एजुकेशन में कही लेकिन कॉलेज ले मम्मी को एजुकेशन में ना मोकले अच्छा हां आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पढ़ना चाहे पे इंदौर में देखो कि उन टाइम जो बेस्ट कॉलेज होया तब मम्मी का इंस्ट्रक्शन होया कि अगर कॉलेज पढ़ना तो गुजराती ना तना गुजराती छोकड़ की गर्ल्स कॉलेज होयो ओ तेमल थोड़ो लगंदो ना छोकरन जला है पापा ने पापा मुंजा डाढ़ा फॉरवर्ड होता अच्छा हां वो स्कूलिंग जे टाइम सा ही मतलब ये कभी भी उनन जे रेस्ट्रिक्शंस ना होया अच्छा हमेशा मतलब उनन कभी भी रोक टोक ना कई बस ये चंदा है कि कूड़ ना गाले गाले वन्यो अच्छा जाडे भी वन्यो बुधाए वन्यो कादे ता वन्यो किए ता वन्यो मा स्कूलिंग डाडी सुठी कई औ एंड ऑफ द ईयर असन जे एकड़ी पूरी क्लास पिक्चर वगैरह वेंदी हुई त असा मम्मी के बुधाई नहीं ना होया से अच्छा पापा का परमिशन वटी वेला लिखी 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 ना परमिशन पापा का अच्छा होंदी पापा के खबर होंदी हुई हां तो असा वेंदा होया से वो मूवी वगैरह पो अच्छी करे ये चंदा आया से हां मूवी भया आया से तो ठीक है पापा के खबर हुई तो मम्मी इतरो नाराज न थींदी हुई बट पापा जो एकड़ो ही इंस्ट्रक्शन होंदो हो जी भाई कि जिया वन्यो ता मुंजी इज्जत खणी करे वापस मुंजी इज्जत खणी घर में घुर जाओ क्या बात तो या एकड़ी लाइफ जो होंदो हो यो रूल हो असने घर जो क्या बात आउ 7 o'clock सब असने घर जे अंदर होंदा आया से 7 o'clock का बाहर उन्हें इंस्ट्रक्शन ना कि कोई जरूरत काने का नहीं तो तांजे भार में फैमिली में ता अकेला है कि ना मां सबिन का वली आया मुझे अच्छा। बहन भी आ भाई रहन ओके और मम्मी रेडी हो जा वाह वेरी नाइस वेरी नाइस एडो किडो किसु अगर जी तांजे शादी में या किडो ताके या फनी मोमेंट ताके कुछ याद आ सर जे बारे में जो फनी फर्स्ट टाइम ता मिले हो जी ताचो वाइट शर्ट है ब्लैक पैंट में जाम हैंडसम पे लगन उना का पू सेकंड मीटिंग में एकड़ो एकड़ो ही फनी मोमेंट होयो जी कि इनन के मां पसंद होयो हां तो 15 मिनट में थी वई हुई लेकिन इनन 4 क्लॉक लगाया छड़ो चवण में चिकड़ी के है ना एकदम ना एक्चुअली में है पिंजे मतलब जी एक बस सिस्टर होयो तो एचन पे ओ भाई भी अचन तपो उन जे सामो हाके अच्छा बस यो ही होयो और वो थोड़ा देवा सो उज्जैन होया तो जस्ते उनन के अचन में टाइम लगयो तो क्या बात है सर क्या बात 4 क्लॉक और तो ताकि की मतलब ता जे हो से एक डेरी मिल्क जी ऐड इन दी मन में लड्डू फूटा तो सर की है मतलब फर्स्ट टाइम ता मैम का मिलियो तो जी मैम की खबर आ ब्लैक वाइट शर्ट ब्लैक पैंट तो मैम जी केरी एरी जी कि झुमको बिंदी छा याद आता के श्रीदेवी वांगुर लगंदी आने भी लगंदे आने भी लगंदे क्या बात है तब वो फर्स्ट टाइम में ही था एकदम फ्लैट तो बिल्कुल 15 मिनट्स सो तो थी क्या बात है जदी मा ताजो औरो एकदम और जदी मा तो आयम तो दोस्त यार होता ना खास दोस्त होता है कजिन वगैरह तो भाई मंगी आयो है मा तो फोटो दिखा रहे तो फोटो लंदा पे मोबाइल भाई का जी तो फोटो दिखा रहे मत जे इतनी छोटी छोकरी तो के मिली क्या बात है जो हाँ सिंधी इंडस्ट्री में ती ब पिक्चर अची वो एक ही यार हाँ एक रिसेंटली 2019 में एक लॉन्च कर ये पिक्चर जो नालो एक यार पुरानी है पैरों की है 2003 पैर में हाँ 2019 तो
कीअं तव्हांजे माइंड में आयो की सिंधी पिक्चर ई ठाहिणु खपे, छोकी अॼुकल्ह माण्हू हिंदी पिक्चर बि ठाहींदा आहिनि, गुजराती पिक्चर बि ठाहींदा आहिनि, मराठी पिक्चर बि ठाहिनि था, त प्रोड्यूस कंदा त सिंधी पिक्चर ऐं सिंधियत लाइ ई छो? एक्चुअल में छा थियो की मां जॾहिं बॉलीवुड स्टार सां मिलणु वेंदो हुउमि हुते, त कुझु मुंहिंजा कनेक्शन्स थी विया हुते सुठे माण्हुनि सां, जंहिंमें हिकिड़ा वीनस जा प्रोडक्शन डिज़ाइनर हुया, त हुननि सां दोस्त मां हुननि सां मिलणु वियो मां ऐश्वर्या जे लाइ, ऐश्वर्या राय जो मैनेजर हुयो तंहिं महिल, त मां परफ्यूम जे लाइ वियोमांसि की मूंखे परफ्यूम कढणी आहे ऐश्वर्या जे लाइ, त चयईं वियल आहे यार कलकत्ता शूटिंग पे गई हुई है, मैं रात को बात होएगी तो मैं आपको पूछ के बताऊंगा। त ॿिए ॾींहुं सेम ॾींहुं मुंहिंजी फ्लाइट हुई त मैं वापसि आ गया दुबई, ॿिए ॾींहुं फ़ोन कयोमांसि की भई बात हो गई आपकी, जी हाँ बात हो गई, लेकिन उनका ऑलरेडी जो है ना कॉस्मेटिक के लिए किसी कंपनी से टाई अप है, तो वो नहीं कर सकती, और उन खां पोइ मुंहिंजी हुन सां दोस्ती थी वई। क्या बात है, मतलब हीअं दोस्ती थी वई की जो 20 साल आहियूं बॉम्बे में असां हूंदा आहियूं, त सुबुह जो ऐं राति जो साथ में हूंदा आहियूं, क्या बात, नाश्ते ते या राति जो डिनर ते, क्या बात है, क्या बात है। त उहो मूंखे हमेशह चवंदो हुओ यार तो में कुझु अथई, हुनखे छा थोरी फेस रीडिंग ख़बर आहे, थोरो सो फेस रीड करे वठंदो। अच्छा, ऐं दिलीप कुमार सां कमु कयो अथई, मनोज कुमार सां, नूतन सां, क्या बात है, मैनेजर रहियो हिन जो कल पद्मिनी कोल्हापुरी जो श्रीदेवी, श्रीदेवी के कीअं तव्हां विसारियो सर, असांजे श्रीदेवी असांजी वरी उहा श्रीदेवी त वरी हुन खां पोइ ऐश्वर्य जो जी, त पोइ हुन शादीअ खां पोइ फ्री लॉन्सर हुयो, त मूंखे हमेशह चवंदो यार तो में कुझु अथई, फेस रीडिंग कंदो हथु ॾिसंदो हुयो, मां जॾहिं वेंदुमि न यार कुझु कर तूं तो मैं अथई कुझु, मां चयो मुंहिंजी इंडस्ट्री कान्हे, फिल्म ठहंदी कीअं मूंखे ख़बर कान्हे की पिचर कैसे बनती है, ऐं तूं चयो त फिल्म ठाहे हिंदीअ में, मां यार तूं छॾे यार जा मुंहिंजा पैसा विञाई न मूंखे बर्बादु करे छॾींदी, चई न तूं ठाहे, ॾाढो पुठियां पियो पियो, पर मां चयो यार पंहिंजी इंडस्ट्री आहे कान, पाण परफ्यूम में ई हुओ तंहिं महिल, परफ्यूम हाणे बि परफ्यूम में ई आहे, तंहिं महिल बि हाणे बि परफ्यूम में ई आहे, खून में बि थोरी परफ्यूम हूंदी। क्या बात है, क्या बात है। त तव्हांजी मां तव्हांखे सीक्रेट ॿुधाईंदमि, अगरि तव्हांखे खपे की सर जी फेवरेट परफ्यूम कहिड़ी आहे त असांखे कमेंट करे ॿुधायो, ऐं मां तव्हांखे बि चवंदो आहे की असांजो दसिन शो वर्ल्ड वाइड एतिरो तव्हां प्यार था ॾियो, त असां हिंदी सिंधी इंग्लिश में ॻाल्हाईंदासीं त केर बि ऑफेंड न थिए, तव्हां एॾो प्यार था कयो, असां एॾो प्यार था कयो। त सर जब आप इन सिंधी इंडस्ट्री में जब आपको आपके फ्रेंड ने बताया, उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया कि आप हिंदी पिक्चर बनाओ, हिंदी हिंदी बनाओ, मैंने कहा देखो बॉस अपना काम नहीं है हिंदी विंदी का, आपको इतना फोर्स कर रहा है तो मैं एक सिंधी का ट्राई कर सकता हूँ, अच्छा, लेकिन तेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, ओ, क्योंकि उसने हिंदी की बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई उन्होंने बाजीगर, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, धड़कन, एज ए डायरेक्शन में, एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर, डिजाइनर, और उसी बीच में मैं यहाँ पर थोड़ा सिंधी शोज चेटीचंड वगैरह करता था, और वो टाइम में मेरे पास एक एंकर आते थे उल्लासनगर से, मिस्टर रमेश नानकानी, नानकानी जी एंकरिंग करने आते थे, बहुत ही सज्जन सरल साधारण इंसान जी जी, तो वो आते थे तो उनके साथ मैं कभी बैठता था रात को, तो मैं बोलता था यार आपकी सिंधी पिक्चरें बनती है उल्लासनगर में बड़े सस्ते में बन जाती है, बनती है नहीं बनती है? हाँ। बोले हाँ बन जाती है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है कितने बनेगी? हाँ। बोले इतने बनेगी। मैंने कहा ये लो कितने बनेगी सर, ये आंकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। आंकड़ा जो उन्होंने मेरे को दिया था ना 15 के आसपास दिया था, 12 से 15। हाँ ओके। पर जब मैंने अपने जो प्रोडक्शन डिजाइनर जो मेरे फ्रेंड है हरि सिंह जी, जी जब उनसे पूछा बोले यार इतने में नहीं बनती है। अच्छा, नहीं बन सकती है। हाँ। बोले तू कर ले देखना बाद में तेरे को मालूम पड़ेगा। शॉक हो गए रे, 12-15 लाख में पिक्चर कैसे बनेगी? जी जी। और ये कभी की बात है सर, ये 2013 की बात है। अब उसने बोला देख ले तू करके मालूम पड़ जाएगा तेरे को कितने में बनती है। तो मैंने कहा चलो शुरू तो करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि यार एक फिल्म बनानी है, तो बोला ठीक है बनाते हैं, डायरेक्ट कौन करेगा? बोला मैंने कहा आप करेंगे। तो बोले हाँ रमेश, बोले मैंने बोला मैं कर जानते ही नहीं हूँ डायरेक्शन। हाँ। मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, नॉलेज है। हाँ। पर मैंने कभी करी नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा मैंने कौन सी कभी बनाई है, मिलके करते हैं, तुम डायरेक्शन करना, मैं एज ए प्रोड्यूसर आपके साथ मिलके अपन टीम बना के और फिल्म बनाते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी और पीछे से हम लोगों ने भी काफ़ी, फिर जब वो फिल्म बनते बनते ना का बजट बहुत ऊपर तक चले गया था, तो मेरे को यकीन हो गया कि मैंने कहा हाँ यार ये कुछ फिगर कुछ और था और कहीं और ही जा रहा है। पर काफ़ी कंट्रोल किया, पर उसमें काफ़ी कुछ जैसे हम लोग हैं कुछ गलतियाँ भी थी। वो पिक्चर शुरू हो गई, बन गई, बहुत अच्छी हो गई, और जब रिलीज़ करी
तो अब मैंने क्या, अब चलेगी कहाँ, चलानी तो आती है नहीं अपने। लोग आए मेरे पास कि आप, हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आपकी फिल्म हम चला देंगे। तो मैंने ठीक है आप चलाइए। तो बोला चलाने के लिए आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केटिंग करेंगे, हम आपकी फिल्म की मार्केटिंग हम करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है हमको पैसा देना पड़ेगा, प्रमोशंस, प्रमोशन। और हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमको मालूम है कि कहाँ चलानी है, हमारे पास थिएटर्स होते हैं, ये होते हैं। तो मैंने क्या, मैंने बनाने के भी पैसे दिए, फिर आपको भी पैसे दूं, ऑब्वियसली सर बनाए भी रहे हैं आप, मैंने कहा आप चलाओ ना, जो होगा अपन कर लेंगे आपस में, परसेंटेज तय कर लेंगे प्रॉफिट में से। नहीं सर, ऐसे चलती थोड़ी, बड़ा चलानी पड़ती है हिंदी पिक्चर। तो फिर मैंने जो, जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन हुआ था स्टूडियो में, पवन जी उनका नाम, पवन शर्मा जी, उन्होंने बोला आप खुद ही चलाओ। फिर मैंने सब कनेक्शन निकाले, PVR, NOX, सैटेलाइट, सबसे मैंने कनेक्शन निकाल के, और उसके बाद मैंने खुद अपनी फिल्म को चलाया हर जगह। क्या बात है। और उसका प्रीमियर किया दुबई में, और इस फिल्म को दुबई में बनाई थी और उल्लासनगर में शूट करी थी और लोनावाला में। एंड फर्स्ट डे जो प्रीमियर हुआ था वो दुबई में हुआ था, उस पे 3000 पीपल ने एक साथ पिक्चर देखी। क्या बात है। उसके दो शोज हुए थे, दो शोज हुए थे, 1500 पीपल एक टाइम पे आए थे एक ही दिन में, तो जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। और एक चीज मैं बताऊंगा इस फिल्म के बारे में, जी हमारे साईं कालीराम बसंत शाह दरबार जी, उनकी बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है। हाँ, जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मैं जानता नहीं था, मेरे को नानकानी जी उनके पास लेके गए थे, और हमने आशीर्वाद लिया था साईं जी से कि साईं जी आशीर्वाद दो, हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बोला आप शुरू करो। और दुबई में हमारे हैं सोशल वर्कर और बड़े बिजनेसमैन जैसे वासु शरफ, उन्होंने भी मेरे को थोड़ा हिम्मत दिया, बोला तू कर, हिंदुत्व के लिए कर रहा है। तो मैंने ठीक है, अच्छे इंटेंशन के साथ करी, अच्छे लोग जुड़ते गए अपने आप, मेरे कहाँ से कौन लोग मेरा था, हमारे काफी फ्रेंड सर्कल, काफी लोगों ने हेल्प किया और सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट। और फिर जब चलाई तो पिक्चर सबको बहुत पसंद आने लगी। क्या बात है। सबने बहुत तारीफ करी, यानी ऐसा था कि दोनों शो में लास्ट में लोगों में खड़े होकर तालियां बजाई। क्या बात है सर। तो उस समय जो अंदर से लगता है ना कि यार कुछ तो किया, कुछ तो किया, गया तो गया। तो बहुत सी बार इंटरव्यू में से पूछते हैं कि हिंदी पिक्चर में कमाई तो होती नहीं है, आपने पिक्चर बनाई क्या, पागल हो। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा पागल पागल लोग ऐसा काम करते हैं। एग्जैक्टली। हर कोई, हर किसी के बस की बात नहीं है अपने कल्चर को लेके आगे बढ़ना। जैसे कि सर मैंने देखा आपकी फर्स्ट मूवी आपने बनाई, और लोग बोलते हैं ऐसे कि हिंदी मूवी, गुजराती मूवी, सिंधी मूवी स्पेशली इतना रेवेन्यू नहीं आता, लोग बोलते हैं उतना कुछ मिलता नहीं है जितना बाकी सब मूवीज में मिलता है, जो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने सिंधी मूवी बनाई? सर एक सिंधी भाषा से मेरे को प्यार था, प्यार है अभी भी, था क्या है अभी भी। और मैंने क्या, सिंधुत्व को मैं प्रमोट करूँगा थ्रू फिल्म, क्योंकि आजकल जैसे पहले क्या होता था कि लोग पुस्तक किताब पढ़ते थे, नॉवेल पढ़ते थे, चाहे प्ले देखते थे, और अपने कवि सम्मेलन वगैरह सिंधी में होते थे, वो धीरे धीरे लोगों को थोड़ा जो है ना उसकी पसंद कम आने लगे, लाइफ फास्ट हो गई। और फिल्म ऐसा एक माध्यम है जो कि हर किसी को अच्छा लगता है जी। तो मैंने कहा अपन सिंधुत्व को और सिंधी कल्चर को, अपनी भाषा को कोशिश करते हैं कि अपन सिंधी फिल्म के थ्रू उसको अपन कोशिश तो कर सकते हैं ना, प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने एक माध्यम चुना सिंधी फिल्म का। बट सिंधी फिल्म में सर इतना कुछ मिलता नहीं, क्योंकि लगा तो सब देते हैं बट लोगों को उतना बोलते ना फीडबैक और रिटर्न्स नहीं मिलते। देखिए उसमें क्या होता है ना कि जो लोग बनाते हैं, अगर ये सोच के बनाते हैं कि हमको कमाई करनी है, तो नेचुरली आपने मिलना नहीं है तो फिर बनाई क्यों, आप मालूम है कि नहीं मिलना है जी। पर मैं बोलूंगा कि मैंने तो कमाया है, मैंने नाम कमाया। क्या बात। सिंधी समाज में पहचान बनाई। क्या बात। मैंने मेकिंग सीखी कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। Exactly, वो एक्सपीरियंस भी तो वो बड़ी कमाई है जी। जी आप जो पैसे, हर चीज पैसा नहीं होता है, लेकिन ये चीजें होती है ना आपके लाइफ में। आज उसी माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। आज मैं बैठता हूँ सिंधी समाज में लोगों के साथ, सबके साथ बैठता हूँ। मेरा एक कोशिश है कि मैं सिंधुत्व को फिल्म के जरिए बढ़ाऊँ, तो मैं उनसे मिलता हूँ, बैठता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत इसके आगे पैसा क्या चीज़ है, कमाई क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। सर पता चला जब आपने फर्स्ट मूवी में आपको इतना बेनिफिट नहीं हुआ, तो अगर कोई बिजनेस भी करता है या कोई कुछ भी चलाता है तो फर्स्ट टाइम देखते कि वो नहीं चल रहा तो सेकेंड टाइम में बंद कर देता है। फिर आपने सेकेंड मूवी बनाई
और वो भी मेरे हिसाब से 2013 में फर्स्ट मूवी आई थी, 14-13 में, 2014 में 14 के आसपास, जो अभी तक चल रही है, लोग देख रहे हैं अभी भी। सेकंड मूवी आपने डायरेक्ट प्लान की एक दो तीन साल के बाद, 2019 में प्लान कर ली थी, 17-18 में। तो उससे कैसे स्क्रिप्ट वापस से कैसे आपने सोचा कि मुझे एक और सिंधी मूवी बनानी है? स्क्रिप्ट कौन लिखता था और आपके डायरेक्शन के लिए वापस आप किसके पास जाने सोच रहे थे जाने की? हीरो कौन, कास्टिंग डायरेक्टर कौन, ये सब चीज़ कैसे फिर वापस से आपने सेकंड मूवी के लिए सोचा? नहीं, जब पहले फर्स्ट मूवी मैंने बनाई तो मैं और मेरे डायरेक्टर हम लोग कास्टिंग हम देखते थे, और मेरा बेटा प्रोडक्शन में था, सागर, तो मेरा बड़ा बेटा है, वो टाइम में उसने 12th पास किया था। अच्छा। वो कॉलेज और उसमें गैप रहता है, 3-4-5 महीने का गैप रहता है। मैं भी 12th में ही था तब। हाँ, आप भी 12th में। जी जी, जब मेरे बेटे की एज। बट वो कॉलेज में काफी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, नहीं वो तो बाद में, वो तो बाद में ना, लेकिन फिल्म 12th में भी करता था वो, जैसे स्कूल के एंड में होते हैं ना स्कूल के जो एनुअल फंक्शंस वगैरह, वो उसमें पार्टिसिपेट, बहुत हाइपर एक्टिव है वो भी। तो उसको मैंने इंडिया भेजा उल्लासनगर में, दुबई का बच्चा उल्लासनगर में जाके रहा। मैंने कहा तेरे को प्रोडक्शन देखना, उल्लासनगर से कुछ किस्सा भी याद आ रहा है, मैं वैसे पूछूंगा बाद में सर। तो उल्लासनगर में वो रहता था वहीं पर ही, और इनकी पूरी टीम को वही संभालता था, मैं बिल्कुल भी नहीं संभालता था, वही देखता था, और फाइनेंस मैंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। हर डेली मेरे को रात को रिपोर्ट देता था फर्स्ट मूवी का, फर्स्ट मूवी का। तो उससे क्या, उसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, एग्जैक्टली, उसने भी थोड़ा सीखा, यंग बच्चा था, उसको भी मालूम पड़ा मेकिंग क्या होता है, और काफ़ी चीज़ें उसने भी सीखी, पर इंटरेस्ट नहीं था उसको इतना ज़्यादा कि फिल्म मेकिंग में जाऊँ या मैं करूँ। इवन मैं बोलता था कि यार एक छोटा सा रोल भी करना है, तो बोलता है नहीं, मैं तो रोल नहीं करूँ। अच्छा। मेरे को पीछे से काम करने दो। बैक स्टेज वाले बैक स्टेज का भी अलग मजा है, अलग मजा है, एक्चुअली में ज्यादा मजा है। हाँ, जैसे बहुत सारे किस्से हैं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा थोड़े टाइम के बाद, बट वो दूसरी पिक्चर के। हाँ, दूसरी पिक्चर के, हम फर्स्ट पिक्चर कंप्लीट करेंगे। तो जब वो फिल्म मैंने बन गई और चल गई, तो मेरे को सामने से फोन आने लगे कि आपकी फिल्म चलानी है, फिल्म चलानी है। तो पहले तो जब मैंने प्रीमियर किया दुबई में, तो किसी को मालूम ही नहीं कि भाई पिक्चर बनी है या बनी कुछ, पर धीरे 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 करके नए नए कहाँ से एक होता है ना कनेक्शन, भगवान की कृपा हो गई, जैसे आप दुलड़साई की कृपा हो गई, जैसे सर मिल गया हमें, किधर दुबई किधर इंडिया में हम छोटा सा काम कर रहे हैं, और सर ने हमको हाथ पकड़ के यहाँ लेके आए, और झूलेलाल साई की कृपा है, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, और वो कनेक्शन हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। एक अगर आप काम कर रहे हो इतने टाइम से, नियत साफ हो, दिल से काम कर रहे हो, अपने सबसे बड़ा इंटेंशन अच्छा है, तो आपका सब रास्ते आसान होते हैं। स्पेशली आप बोल के तो जाओगे अपने नहीं, और अच्छा है कि आपको किसी ने सपोर्ट किया, आज हमने पिक्चर बनाई, हमको भी किसी ने किया, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमको भी किसी ने सपोर्ट किया, नया कर रहे हैं। एंड सतीश जी वैसे भी थोड़ा बिलीव करते हैं कि नयों को चांस दिया जाए, चाहे किसी भी तरीके का आर्टिस्ट हो, आपकी तरह हो पॉडकास्ट वाला या कोई इवन ड्रम बजाने वाले होते हैं या क्या, तो उनकी बैंड होती है, सतीश प्रेफर करते हैं कि न्यू बैंड्स को हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स से करते हैं, तो दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि ये बैंड आ रहा है या ये बहुत अच्छा था, तो अच्छा है ना, करना चाहिए सपोर्ट जरूर। एग्जैक्टली, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कलाकार की कदर करते हैं। यस, कला की कदर करना हर किसी में वो नजरिया नहीं होता। क्या बात है, शायर वायर आ गया मेरे अंदर। ओके, तो सर फर्स्ट मूवी का आप बता रहे थे कि जब आपको कॉल आना चालू हुआ मूवी चलाने के लिए, जी, तो फिर आपने सेकंड मूवी का कैसे लेकिन उसको चलाने में और थोड़ा रिकवरी में, रिकवरी तो खैर होती ही नहीं चलाने से, तो नहीं होती है, थोड़ा ब्रांडिंग वगैरह से हो जाती है, चलाने में तो बड़ी आजकल मालूम है थिएटर नहीं मिलते हैं, बड़ी डिफिकल्ट, स्पेशली सिंधी मूवीज, क्योंकि उसमें क्या है कि अपना एक तो स्टेट नहीं है कोई, यस, अपना कोई सिंधियों का कोई स्टेट नहीं, एग्जैक्टली, दूसरी लैंग्वेज है, उनके स्टेट है, उनके पास ऑडियंस है, उनको मिल भी जाते हैं थिएटर, और हमारे लिए बड़ा, क्योंकि हम क्या बिखरे हुए हैं, कणक के जो दाणे वांगुर बिखरे लाइन, ऐसा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग संस्थाओं सा, चाहे तो जो माण्हू सा कॉन्टेक्ट करे भई हलाइणी पवंदी हुआ, पर जाते भी हलंदी हुई त माण्हू तारीफ़ कंदा हुया त सुठो लॻंदो, लॻंदो कि हा भई ठीकु कुझु त कुझु त कुझु त सुठो कमु कयो आहे शायदि। छोकी अगरि हिकु साल ॿ साल में माण्हू विसारे भरे त ॻाल्हि बि अञा ताईं पिक्चर जी तारीफ़ थिए थी,
तो जाम वडी गाल है मां जाते भी कैंप पे ना रिकवरी का वादी का एक्चुअली एप्रिसिएशन वादी का वादी कलाकार की हुई कब है बेसिकली सर भी के कलाकार है ए कलाकार के कमाई का वादी का मानुन जो एप्रिसिएशन यस जैसे कलाकार ता न था चाहिए सको पर कला अंदर में आए पर मैं ना करे पूरो टीम ठाइनो आया राइटर हायर करनो आया डायरेक्टर हायर सभी पेंजो पार्ट देना है जी जी मां सिर्फ पुठियां इनके से डायरेक्शन दिनो है कि हिं करणो हिं जो मुझे थॉट इंदो है मुझे यो करणो है जी वो मां सिर्फ इनके दिनो है कि मैं हिं करणो बाकी मेहनत वो कंदा सजाइंदा हो ठीक है फाइनल अपुर आसान जी हुंदी है पर मेहनत होनी जी वधिक होनी ओके वधिक मेहनत वही करना है लेवन चाहे लाइटमैन हुए स्पॉट बॉय हो जाए हर को मेहनत वो तो करे असा जो थॉट आयो ठाई भाई ठाणी या कहानी तैयार की इजी कम इजी कम पर जो फ्लोर ते कम थी ना तो मां एक दफो ही एक दफो चांस मिलो तो मां दिसण वयो मां दिसा पे कि हर को मानो एडी मेहनत पे करे जी जी तो असल मेहनत होने जे लाय मां चाहिंदम कि होनिन के शाबाश है ठीक है थैंक यू विदाउट टीम वी कैन नॉट डू एग्जैक्टली क्रेडिट देन भी जाम एक वडो वडो चाचे मानू में वो एक नम्रता होंदी है कि हर कोई पांजी क्रेडिट सर चवण जाम इजी है कि मां टीम थाय छड्यो ता पाणी इतरा बिजी है फैमिली बिजनेस है ये सब शेयर में प्लस ता पांजे सिंधी कम्युनिटी लाए हे सब भी कहो ता ता हे केरे कलाकार से घटना घटना है क्योंकि हर कहो केड़ा कितरा सिंधी है मानू जाम अलग अलग दुनिया में जिया ताचो कणकन जे दाणन वांगो दाणन वालो बिकलना है तो कितरा सिंधी है बट स्पेशली चंदा ना भगवान भी के चुनी करे अब हे पर्सन सही है हे मानू सही है इन्हें मथाई मेहर कजे ऑटोमेटिकली सब कम थी वेंदो झूले साल झूले ला साईं जी कृपा है जी जी तो सर जब आप सेकंड मूवी के लिए प्लान कर रहे थे जैसे आपने बताया कि ये पिक्चर आप चला रहे थे ये सब चीज तो फिर सेकंड मूवी का आपको डायरेक्शन आपने सेम रखने की कोशिश की बजट सेम रखने की कोशिश की या जो आपने ये फिल्म से स्ट्रगल और डिफिकल्टी जो चीज सीखी सोचा कि अभी ये सेकंड मूवी में ना आए उससे जो आपने सीखा तो क्या प्लान थे आपके सेकंड मूवी के लिए नहीं जब ये फर्स्ट फिल्म मैंने चलाई दुबई में चाहे बॉम्बे में तो मेरे को बॉम्बे से एक कॉल आया ओके मिस्टर राम जावरानी जी का डॉक्टर राम जावरानी जी का तो उन्होंने वो अवार्ड शो रखते थे दूरदर्शन में जी दूरदर्शन के सहयोग फाउंडेशन तो उन्होंने बोला कि आपको बॉम्बे आना है और आप मैंने पिक्चर देखी नहीं है पर मैंने तारीफ बहुत सुनी है तो आपको बॉम्बे आना है और वहाँ पर अपने श्री एल के आडवाणी जी आ रहे हैं फॉर्मर क्या बात है प्राइम मिनिस्टर और राजकुमार हिरानी थे वहाँ पर और भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह काफ़ी थे आपके रमेश सिप्पी जी थे किरण जुनेजा उनकी बेटी अपना प्रतिभा आडवाणी तो काफ़ी इंडस्ट्री के लोग थे वहाँ पर तो बोला कि आप आइए यहाँ पर और आपने अच्छा काम किया कम्युनिटी के लिए तो हम आपको फेलिसिएट करना चाहते क्या बात है तो मैं गया था वहाँ पर और वो फंक्शन क्या हो गया दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था लाइव क्या बात वो टेलीकास्ट हुआ था और लोगों का अवेयरनेस आ गई कि ये कहाँ से आ गया कि कौन है मतलब मैं तो एक एक को जाके नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने ये बने मैंने ये किया वो किया पर अचानक कहते हैं ना मालिक की जब कृपा हो जाए तो लालसाई की मेहर से तो धीरे धीरे इंटीरियर से मेरे पास फोन आते थे कि हमको पिक्चर चलानी क्या तो मैंने कहा अब लग रहा है शायद एक डेढ़ साल अपने को लग रहा था कि अपन तो पूरे गए पर सामने से फोन कर रहे हैं मतलब अपने कुछ तो बात होगी तो मेरा धीरे 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 शोज चलते गए मेरे पास रेवेन्यू आता गया ऑलमोस्ट कवर के आसपास ही था थोड़ा बहुत गया होगा तो मैंने ठीक है यार फिर मेरी टीम ने बोला सर ऐसी पिक्चर जो आपने बनाई है ना जो कि आपको रिकवरी भी दे रही है तो आप एक पिक्चर और बनाओ मैंने कहा यार कोई आता नहीं है पूछना पड़ता है बोलना पड़ता है दिखानी पड़ती है बोले नहीं आपको भी क्या एक्सपीरियंस हो गया ना अब आप दूसरी एक और प्लान करो तो उन्होंने मेरे को थोड़ी हिम्मत दी अच्छा अब बोले आपका जो थिएटर वाले से कॉन्टेक्ट हो गया है सैटेलाइट से कांटेक्ट हो गया तो अब सेकंड चलाने में अब तकलीफ नहीं आएगी जो तकलीफ आपको तीन चार साल आई थी आप सेकंड बनाओगे तो आपको इतना तकलीफ नहीं आएगा exactly. तो फिर मैंने वापस अपने डायरेक्टर को बोला मैंने कहा सेकंड बोला फिर बोला डायरेक्टर कौन मैंने कहा आप फिर हम लोगों ने प्लान करी उसकी स्टोरी बनवाई किशोर लालवानी जी कहानी लिखी है उसकी फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब बनाएंगे इंदौर में अच्छा मैंने कहा इंदौर से करियर शुरू किया है इंदौर से मिली है शायद हो सकता है कुछ कुछ, कुछ रहमत हो जाए साईं का भजन भी था रहमत वारो दरा तुम तो मैंने कहा चलो करते हैं क्या होगा लकी सिटी है मैंने कहा चलो एक और ट्राई कर लेते हैं शायद कुछ हो जाए
तो वो फिल्म को हमने सोचा कि और थोड़ा अपर बनाते हैं, और मैंने जब फिर डायरेक्टर से बात किया तो उसने पहले हाँ किया, पर उसके उनके पास कुछ दूसरे कमिटमेंट आ गए, तो फिर उन्होंने बोला मैं नहीं कर पाऊँ। हालांकि हमने इंदौर में ऑडिशन भी किए, आर्टिस्ट भी सिलेक्ट कर लिए, अब जब उन्होंने मना किया था मेरे को, फिर वापस से नया डायरेक्टर देखना है, फिर मैं इधर उधर पूछता गया, फिर मेरे को कनेक्शन मिला एक डायरेक्टर दीपक त्रिपाठी, जो कि नॉन सिंधी हैं और उन्होंने काफ़ी हिंदी पे, उमेश मेहरा के साथ थे ईगल फिल्म्स, उनसे कनेक्शन हुआ, पर वो सिंधी समझते थे पर बोल नहीं पाते थे। उन्होंने एक दो कोई पहले कोई एक दो छोटी पिक्चरें करी थी, तो मैंने कहा आप कर लीजिए, बोला ठीक है मैं कर लूँगा। फिर उनके साथ हमने स्टार्ट किया सेकंड मूवी को, इंदौर में शूट किया, दुबई में शूट किया, उसका प्रोडक्शन पूरा मैंने किया, सपना ने किया, प्रोडक्शन ये देखती थी वो टाइम में, और इंदौर में इनका होम टाउन, और वहाँ के मेरे फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट हो गया, क्या बात, और वहाँ के जो कुछ सिंधी ऑर्गेनाइजेशन थे उनका भी सपोर्ट हो गया। फिर लकीली मेरी मुलाकात शंकर लालवानी जी से हो गई वहाँ पर जी, तो उनको भी एक रोल, मिनिस्टर नेता का एक रोल दिया, क्या बात। उस समय पार्लियामेंट में नहीं थे वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे वो, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, तो आते थे शूट पर कभी कभी, रिक्वेस्ट किया कि बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी मूवी ना, तो एग्री हो गए, क्या बात है। और बहुत काइंड पर्सन है, मैं भी उनके लिए एक परफॉर्म करा था जब वो पार्लियामेंट पे सबसे हाईएस्ट नंबर से जीत के आए थे, अभी भी इस साल भी, और लास्ट जब वो फर्स्ट टाइम जीत के आए थे तब मैंने शायद सर पहचानते होंगे कि नहीं, अभी थोड़ा बाल बाल बड़े हो गए, थोड़ा मस्ती हो जाएगा, बट सर के लिए मैंने सर का फेवरेट गाना गाया था, वो एक गाना है, सर को हिंदी गाने पसंद थे तो बोला कुछ नहीं गाते हैं तो है ना सर आप जो बोलो गाएंगे, तो एक बड़े अच्छे लगते गाना है उनको, वो गाना मैंने थोड़ा सा गाया था तो सर को अच्छा लग गया था। और दुबई में मेरे को शूट किया तो यहाँ के मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने सपोर्ट किया, मिस्टर वासु श्रॉफ जी जो यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन है और सोशल वर्कर हैं जी, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने भी मेरी दोनों फिल्मों में काम किया, तो उनका भी आशीर्वाद है, क्या बात है। तो बस ऐसे ही दुआओं से मेरा काम चलता आ रहा है, लोगों की दुआओं से, और क्या बात, अच्छे कनेक्शन होते गए। और मैम जब आप शूट पे जाते थे, आप शूट पे जाते थे, शूट पे ही रहती थी मैं, क्या बात है। तो हम लोगों ने हायर करके रखा था एक 3-story बिल्डिंग, ओके, जिसमें नीचे हम लोग शूट भी करते थे 2 floors पे, एंड 3rd floor हमने सबको रहने के लिए रखा, तो एक पूरी बिल्डिंग में पिक्चर बन रही थी। हाँ, लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, 3-4 लोकेशन थी, ज्यादा सीन नहीं थे, बाकी जो आउटडोर लोकेशंस थी वो डिफरेंट था, ओके, बाकी जो जैसे घर के जो सीन होते हैं तो हमने वहीं पे शूट करे, क्योंकि घर बहुत बड़ा था, मतलब इट्स अ वेरी बिग विला टाइप्स था इंदौर में, वो भी हमारे एक फैमिली फ्रेंड के ही थे, क्या बात, तो उनका वो नया नया लिया था और हम लोगों ने शूट किया। तो शूट का कुछ ऐसी एक्सपीरियंस या ऐसा कोई स्टोरी या ऐसी कुछ, शूट में ना एक्चुअली कुछ बच्चे थे, उसमें से एक बहुत शैतान बच्चा था, 14 years का था, बट उसने बहुत एंटरटेन के साथ साथ बहुत केयरिंग था। अच्छा, वो जब हमारे यहाँ पे वहाँ पे चाय बढ़ती थी ना तो सबसे पहले कप लेके आता था, रुको रुको मेरी आंटी को पहले पीने दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका, तो ऐसे बोलते जब... नहीं थे कि मैं आंटी मत को, मुझे डोंट कॉल मी आंटी, नो इट्स ओके, ओके, उससे बड़ा तो मेरा बेटा है। नहीं बट तो इट्स फाइन, बट बच्चे बहुत अच्छे थे, सीजे था एक लड़का, वो पूरा दिन अपना गिटार लेके बैठा रहता था। अच्छा। तो जब बहुत ज्यादा तंग करते थे तो बोलती थी अपना तानपुरा बंद कर। तो बोलता था आंटी यार ऐसा नहीं बोलो यार, इतना इंग्लिश इंग्लिश सॉन्ग सुनाता आपको। पर बहुत फन रहता था, बस एक इंसिडेंट बहुत बोल सकते हैं कि वो मेरे को याद रह गया, हमारा एक लाइटमैन थे जो कि थे नहीं थे नहीं है, है इन द सेंस आई मीन उनकी बात बता रही हूँ, उस टाइम की बात बता रही हूँ, पिक्चर शूट के सीन के लिए। यस, वो शूट के टाइम पे सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए थे। ओह शिट। हाँ, वो एक्चुअली होता है ना जैसे लेट हो गई थी तो उनको थोड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो उन्होंने भी अपनी कलाकारी दिखाई और वो स्टैंड पे जैसे ना वो वॉल रहती है ना वॉल के स्टैंड पे खड़े हो गए एंड देन उससे सीधे उल्टा नीचे गिर गए। ओह शिट। तो ये तो अच्छा हुआ नीचे कुछ रेती मिट्टी पड़ी थी, बट उनको थोड़ा सा लगा, बहुत शाउट हुआ सबका कि यू नो इनको कोई उठाए वहां से, और मेरे ब्रदर इन लॉ नीलेश वो वहीं पे ही थे नीचे, उन्होंने उनको एकदम उठा के सीधे गाड़ी में बिठा के इंस्टेंट उनको हम डॉक्टर के पास ले गए,
टच फुट, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वापस आके उन्होंने फिर काम चालू कर दिया। नेक्स्ट डे काम चालू करने का तो क्या बोलते हैं वो, सर मैं एक आमिर खान की पिक्चर में भी गिरा था, पिक्चर हिट हो गई थी, आपकी पिक्चर हिट हो जाएगी। चलो वापस, मैंने ऐसा नहीं बोला कि रोज ही करूंगा, नेक्स्ट टाइम वापस पिक्चर बनाएंगे, मैं ही जाके सीढ़ी लाऊंगा। बट हाँ, लेकिन वो बाद में हम लोगों के लिए बहुत फन वाला काम हो गया। आने वाले जो 10 दिन थे, हम रोज उनको बोलते थे अंकल ध्यान से जाना, अब मत गिरना। बांदर हो, बांदर लगे। अच्छा, उस पिक्चर में एक गाना था जो सीनियर सिटीजन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, एक बर्थडे सॉन्ग था। ओके, वो टाइम में मैं था इंदौर में जब शूट हुआ था, तो मैं वहीं पर ही था, तो मैं चले गया था वो गाने को शूट करने में। मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे ना, नहीं सुबह 10 बजे हमने शूट किया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे खत्म किया था। ओह, डबल शिफ्ट, मोर देन 24 आवर्स, अराउंड 20 घंटे शायद, मेरे ख्याल से 20 घंटे के आसपास। क्या ऐसी ऐसी क्या चीज हो गई थी एक्चुअली में, क्या क्या था कि पूरा फैमिली और लोग दिखाए थे, बर्थडे सेलिब्रेशन था और सब आर्टिस्ट थे उसमें। ओके, और वो हमारा फर्स्ट डे था शूट का। ओह, फर्स्ट डे शूट का था। तो उसमें क्या हो रहा था, सब इतने एक्साइटेड थे, चाहे फिल्म की हीरोइन हो या दूसरे भी बच्चे थे, जतिन था दृष्टि जो हीरोइन थी उसमें, एंड हमारे अंकल जी, तो श्रीचंद माखी जी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनका बर्थडे सेलिब्रेट था, और बाकी कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे, किशोर लालवानी, बाकी जो आर्टिस्ट थे। लेकिन बहुत फन चल रहा था, और टाइम टू टाइम नाश्ता आ रहा है, खाना आ रहा है, तो लोग ऐसे ना, जैसे ना हम लोगों की पार्टी हो रही थी एक तरह से, जैसे पिकनिक बनाने आए हो, तो लाइक वो फन में गाना, लेकिन वो म्यूजिक एंड सॉन्ग बहुत अच्छा। ये फैमिली मेंबर्स से कोई, हम लोग सब फैमिली मेंबर्स थे, और उसमें गाना वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जी। हां, दो दिन लगे गाना बनाने में भाई, जाके देखो। नहीं, उसमें गाना साईं का भी भजन, झूलेलाल का भजन। अच्छा, काली साईं वो भी बहुत अच्छा है, और लोगों ने बहुत पसंद किया, और रोमांटिक दो गाने हैं, और सॉन्ग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हां, एक दोस्ती के ऊपर गाना है, एक अरबिक सिंधी अरबिक फ्यूजन है। सर, पिक्चर बनाने में ये सब तो ठीक है, उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल होती है, जैसे फनी वे में अगर बोला जाए, बट वो फनी होगा नहीं, कभी कभी किसी के कॉस्ट्यूम नहीं आ गए। अरे एकदम याद आ गया मेरे को, एकदम ऐसा कुछ, मैं बताऊंगा वो, मैं तो जरूर बताऊंगा। प्लीज प्लीज, वो पहली पिक्चर में था, फर्स्ट पिक्चर, जब पेंजो एकड़ो यारा, उसमें हमारी एक्ट्रेस थी, पहले हमने दो जो थे अपना दो शूट इंडिया में कंप्लीट करके फिर दुबई में शूट किया था, फिर जाके उनको थर्ड शूट करना था इंडिया में जाके। अब वो थर्ड शूट के टाइम में क्या हो गया कि उनका एक टॉप था जो वो मिसप्लेस हो गया। और पहले क्या दुबई में फ्राइडे छुट्टी होती थी, तो मेरे को वहाँ से डायरेक्टर का फ़ोन आया, बोला सर सिक्वेंस में ये तो मिल ही नहीं रहा है ही नहीं इसके पास। अब मैंने क्या करूँ, उसको पूछो कहीं से लेके आओ। फिर हम उठे ही थे नींद से, तो मैंने याद आया, बोले यार वो अपन दो टॉप लेके गए थे, एक अपन ने हीरोइन को दिया था और एक मैंने अपनी किसी कजिन को दिया था। तो मैंने लगा फ़ोन, कजिन को लगा फ़ोन, उसके पास शायद रखा होगा। अब उसको जब फ़ोन किया तो उसने बोला है तो सही, लेकिन थोड़ा कलर अलग है उसका। अच्छा, अब हमने किया, लेकिन डिज़ाइन वही था, सेम डिज़ाइन था। और वो डायरेक्टर परेशान, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टर पर बड़ा प्रेशर होता है, तो उसको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कॉस्ट्यूम का, ये सीक्वेंस में क्या था, इसको कंटिन्यूटी में क्या लेना है। तो अब हमने क्या करें, तो क्या करें, हम उसको जब भेजा कि भाई ये वाला है, तो बोलता है साईं इन्हें जो तक कलर अलग आ माँ चाणे ना के मथा पाया स्टॉल, हाँ स्टॉल टाइप होता है, तो माँ चाणे थोड़ो कलर ढसण में, तो थोड़ो ढके से ढस तो ना, ऐसा है शूटिंग, हाँ ट्रैक लाइक ऐसा खराब थी, यूनिट पूरी बैठी है, बिकॉज़ सजो सजी टीम आ ना, एक सॉन्ग लाए, हाँ लाइटमैन का वेंग, लेकिन वो अच्छा हो, मतलब ऐसा जो जो पूरो जेको सीक्वल होयो ना, उनमें स्टॉप अलग अलग, मतलब एक शॉप ते मिले वरी मॉल में निखारनो है, भले हेडे निखारना, तो वो शॉल सा ऐसा कवर अप करे सकों के, लाइक पर जे ध्यान देनो तो ना, ध्यान जे खबर आए इंडस्ट्री हो, हाडे तो खबर पे, खबर में चीटिंग चीटिंग कई बार, हाडे तो खबर पे जी वेदी कि बाबा हे भी जो दिमाग लगाइंदो लोनावाला में हाँ शूट थी उते, त बरसात अची वई, मुझे पुट तंहिं महिल मां त हिते खेल न वेंदो, पूरी हुन यूनिट वेठी आहे, जेके इंडोर जा हुया सीन वे थी आहे, आउटडोर करणा आहिनि भई, सभु वेठा आहिनि, छा कयूं छा कयूं। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे की पर डे जो एक्सपेंसिस जाम, पूरी यूनिट हूंदी आहे, एक्जेक्टली यानी 25 टीह माण्हू हूंदा आहिनि,
लाइटमैन खां मिलाए स्पॉट बॉय खां मिलाए सभी करे उते हुंदा आहिनि त उन्हनि जा ख़र्च वर्च त उहो थोरो बजट वधी वियो हुन पिचर जो बि त हाणे कयूं त छा कयूं पर छा थियो की हिन खे मुंहिंजो जेको डी ओ पी आहे न आंध्रा जो आहे ओके त उहो घणी पिचरूं करे चुको आहे त हुन छा कयईं कुझु सीन कढी वरितईं ऐं कढंदे 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 बरसाति जा सीन बि कढियईं पोचो त ॾिठईं त हिकिड़ो मोर थो नचे अच्छा चई सर एक शॉट लिया है मैंने मजा आ जाएगा आप उसको जो है ना मोर नाच रहा है वो बोले नेचुरल मिला है क्या बात लोग है? बोले सीन को लेने में तरसते हैं और बारिश पड़ गई कि बारिश बोले लोग आर्टिफिशियल करते हैं सेट पर एग्जैक्टली टैंकर से आपको ये चीजें नेचुरल मिली है तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए लोड मत लीजिए खर्चे का लेकिन अपने प्रोडक्ट में बहुत प्रोजेक्ट में जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा और वाकई वो जो विधे होने में ना ओ जो मोर जो हुन पिचर जो नालो पंहिंजो हिकिड़ो ई यार आहे ऐं सॉन्ग थियो आहे मूंखे न मूंखे थियो आहे तोसां प्यार ईअं करे कुझु आहे मूंखे बि वीडियो कढी करे असांखे टैग कयो हिन धड़कन में तू ही समाई आ इहा सचाई आहे क्या बात है क्या बात ऐं हिन फिल्म जो जेको टाइटल आहे न पंहिंजो हिकिड़ो यार उहो बि असांखे साईं कालीराम वसण शाह दरबार में मिलियल साईं जन जे ॾिनल टाइटल जेको आहे ॾिसो केॾी महिर आहे संतनि जी कृपा आहे जी जी ऐं सचे दिलि सां कुझु कयूं था त ऑटोमेटिकली हुन में बरकत ईंदी ईंदी जेतिरो बि अगरि असां महिनत कयूं अगरि हुन में तव्हां सचे दिलि सां महिनत कयो था तो बरकत तो थींदी सो हमारे शो में एक छोटा सा रैपिड फायर होता है असाए शो में एक नंडो रैपिड फायर थिंदो बिनिन का एक नंडो गेम खेलंदासी ठीक है आ ताके घट में घट सेकंड में आंसर देनो खटण वाली है सर मैंने गिव कर दे बाबा रोटी खपे आज ओके सो सबनिन का पहनो मैम चेदी क्या केड़ा क्वेश्चन है तक तक एक्चुअली केड़ी एडी शेया कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप डिसएग्री करते हो मतलब एक दूसरे के साथ हाँ कोई ऐसी बात पे नहीं है जान दो नहीं अच्छा नहीं होगा चलो रहने दो नहीं होगा बहुत सारी बात है यही तो चीज है चाहिए ओके तो लेडीज फर्स्ट ओके इनका मोबाइल फोन यूज करना रात के टाइम सर दो घंटे अब तो बंद कर दिया यार टाइम ही नहीं मिलता है अब शुरू में चस्का था अब थोड़ा सा काफी कुछ नहीं फिर भी काफी यूज करते सर आपकी ऐसी कोई सी बात मैम की जो मेरे से डिसएग्री होते हो कैसी कोई चीज है कभी कुछ फोन नहीं उठाते हैं फोन तो उठा मतलब उठा लेती है लेकिन अगर पर्स में रखा है साइलेंट पे रखा है तो फिर सवाल नहीं उठते आप 10 करो तो भी नहीं उठेंगे कितने भी आप कोशिश करो देखो मैंने पकड़ लिया लेकिन कॉल बैक इंस्टेंट करती हूँ जब हाँ जब दिखता है तो फिर तो सर फ्यूचर जो छा प्लान है तुम जी हाँ हाँ मैं ऐसा तो तुम एक शो जाम फेमस तो हले झूलेलाल महिमा जी तो उन बारे में कुछ बुधाओ वो भी ईअं थियो की महिमा झूलेलाल जी असांजो नओं शो हाणे ई असां पहिरियों शो कयोसीं हिते दिल्लीअ में 22 सेप्टेम्बर हिकु सिंधी कलाकार आहे पंहिंजो प्रेम भारती त हुनखे झूलेलाल जो तव्हांखे ख़बर हूंदी की झूलेलाल साईं जो हिकिड़ो वॾो मंदरु ठहियो आहे हिन दफ़े सिलीगुड़ी में जाम ऐं सिलीगुड़ी में सिर्फ़ु 40-50 फैमिलियूं आहिनि हुननि मिली करे ठाहियो आहे झूलेलाल साईं जो मंदरु त हुते असांजो सिंधी आर्टिस्ट आहे प्रेम भारती उहो हुते शो करणु वियो हुयो त चई सर आपके चैनल पे बि मां लाइव चला दूं त मैंने कहा हा भले आप चला दो कोई दिक़त नहीं है मेरा कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा प्रोफेशनल मेरा तो नहीं है पर ठीक है आपको चलाना तो चला दो कोई दिक़त नहीं त उहो मां थोरो शो ॾिठो त हुन में कुझु शयूं मूंखे थोरी लॻियूं की असां हुन ॿुधाइण खां पोइ मूंखे लॻियूं की हिन शो जे थ्रू असां लाल साईं जी महिमा जो थोरो प्रचार कयूं लाल साईं जे बारे में माण्हुनि खे ॿुधायूं लाल साईं छा हुया छा करामतूं हुयूं त मां हुनखे चयोमांसि मां चरे शो मूंखे ठाहिणो अथई मूं वटि थॉट आहे मां डिज़ाइन करे ॾींदोमांइ कॉन्सेप्ट ॿुधाईंदोमांइ करिणो तोखे अथई महिनत तुंहिंजी अथई मुंहिंजो सिर्फ़ु आइडिया आहे जीअं मां फिल्म बि आहे त मां सिर्फ़ु थॉट आइडिया हुन खां पोइ पूरी टीम जी मां एग्ज़ैक्टली त चई ठीकु आहे मां कंदुमि त इहो नओं शो असां ठाहियोसीं विथ एनिमेशन लाइव सिंगिंग ऐं हुन में विच में असां लाल साईं जी बेसिक अञा स्टार्ट कयो आहे की लाल साईं जे बारे में थोरो बेसिक अञा ॿुधाईंदा बेसिक नॉलेज छो की धीरे धीरे हिनखे असां अॻिते पार्ट 2 पार्ट 3 करे अहिड़ी बेसिक माण्हू खे ख़बर पवंदो
उन खां पोइ धीरे धीरे माण्हुनि खे चवंदासीं की भई हाणे इन जो अपर वर्जन तव्हांजे बारे में अञा वधीक लाल साईं जो त असां चाहियूं था हिन शो जे थ्रू लाल साईं जो प्रचार थिए। क्या बात, हाणे ई माण्हुनि खे त ख़बर आहे, पर इहो असां सिंधी हिंदी ॿिन्ही में रखियो। क्या बात आहे, ऐं पाण सुठो बि आहे। जीअं तव्हांजो पॉडकास्ट आहे, तव्हां सिंधी हिंदी इंग्लिश टई में, मुंहिंजी फिल्मुनि में बि सभु अथव जी, सिंधी हिंदी इंग्लिश हिंदी गानो बि अथव। क्या बात आहे, त हिन सां छा थींदो आहे की पंहिंजे सिंधियुनि जे अलावा ॿिया जेके बि आहिनि हुननि खे बि असां ॿुधायूं, हुननि खे बि ख़बर पए की बाबा लाल साईं छा हुया, लाल साईं जी करामतूं छा हुयूं। एग्जैक्टली, बसि इहो थॉट हुयो त इहो शो बि स्टार्ट आहे। पहिरियों शो कयो, रिस्पॉन्स ॾाढो सुठो मिलियो। ईअं ई शो थींदा रहनि, मां चवंदुमि 100, 200, 300, 400 अनगिनत शो हलंदो रहे। ऐं सिंधी कल्चर ग्रुप में बि असां ॿ शो कयासीं। क्या बात है, तंहिंमें हिकु शो में असां असरानी खे घुरायोसीं, हुनखे फेलिसिएट कयोसीं, ऐं ॿिए शो में लकीली चंकी पांडे ते हुयो। क्या बात है, त हुनखे बि घुराए करे पंहिंजे समाज जे तरफ़ां असां हुनखे फेलिसिएट कयोसीं। ऐं बढ़िया, चंकी पांडे जी हिकिड़ी तमन्ना हुई की नेक्स्ट पिक्चर जेकी तव्हां सिंधी ठाहियो त मूंखे बि वठो। हा, इहो पाण स्टेज में चयो अथई। क्या बात है, चई सतीश भाई आप ये पिक्चर सिंधी बनाओ तो मेरे को लेना, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। पंहिंजे समाज जी देखो कहिड़ी शक्ति आहे जी जी, कि नॉन सिंधी माण्हू ऐं आर्टिस्ट बि चाहिनि था की एॾो वॾो आर्टिस्ट, एॾो वॾो कलाकार, वॾो कलाकार बि चए थो की मां तुंहिंजी फिल्म में कमु कंदुमि। सर फ्यूचर जी छा प्लानिंग आहे? अञा बि मुंहिंजा कुझु चालू आहिनि, कुझु हिकु लाइव शो आहे म्यूज़िकल, उहो बि ॾाढो जल्दी डिस्क्लोज हाणे न कंदुमि जी जी, छोकी मां चाहींदो आहियां कुझु जेको बि कयां थोरो सो डिफरेंट हटके कयां जी जी, जेको हले थो मां थोरो सो कोशिशि कंदो आहियां। डेफिनेटली, पंहिंजो पाण ई मूंखे थॉट्स ईंदा आहिनि। क्या बात आहे, पंहिंजो पाण ई किथां बि अची वेंदा आहिनि। उहो ई चइबो आहे राति जो सुम्हण महिल, ॾींहं जो ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे या तव्हां सां ॻाल्हाए कुझु बि अची वेंदो जी जी, त उहो हुनखे पोइ मां कोशिशि कंदो आहियां, सोचींदो आहियां की हिनखे मां कीअं कयां, कीअं अॻिते वधायां। ऐं पंहिंजो पाण ई कुझु न कुझु न कुझु थी वेंदो आहे। म्यूज़िकल शो आहे, हिकिड़ो गानो बि हिकिड़ो मुंहिंजो सिंधी में अचण वारो आहे, चार सीनियर सिटीजन जे मथां आहे, ॾाढो जल्दी तव्हांखे रिलीज़ कंदासीं हुनखे बि पंहिंजे चैनल ते, चैनल तव्हांखे मैंशन कयो आहे। थैंक यू सो मच सर, जाम मज़ो आयो। थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑनर टू हैविंग यू आवर शो। जाम मज़ो आयो ऐं ऑडियंस खे बि जाम मज़ो आयो। होप तव्हांखे इन्हनि जा जेके बि सॉन्ग, जेके बि मूवी आहिनि, तव्हांखे हिन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मिली वेंदी। प्लीज़ वञी करे ॾिसो, सब्सक्राइब कयो। तेसि ताईं द सिंध शो खे सपोर्ट कयो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय झूलेलाल।